गाइस आप लोग भी अगर इस तरीका का वीडियो आप लोग एडिट करना चाहते हो, ये इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम रील पे बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, आप लोग भी अपना रील्स को वायरल करना चाहते हैं तो इस तरीका के आप लोग अगर वीडियो बना करके रील्स बना करके आप लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा वायरल होगा। इस वीडियो में हम बताएँ किस तरीका से आप लोग को इसको क्रिएट करना था। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, काइनी मास्टर को एप्लीकेशन को ओपन करना है, 9:16 रेशियो को आप लोग को चूज कर लेना है और जो आप लोग वीडियो शूट किए हैं उसको लेकर के चले आना है। चलिए मेरे पास अभी वीडियो शूट नहीं किया हुआ है, मैं ये वीडियो लेकर के चले आता हूँ और यहाँ पे आप लोग को सारा चीज़ यहाँ पे लेकर के चले आना। GTA का 5 का जो मटेरियल रहेगा, जो दोस्तों बैकग्राउंड और जो GTA लिखा हुआ रहेगा वो सारा चीज़ आप लोग को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से हमने अथी किया है, इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ से आप लोग सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आ गया है और यहाँ से आप लोग को चेंज करना है ना इसको, तो यहाँ से आप लोग सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से हमें चेंज करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, कैप्चा पे आप लोग देखिएगा इस तरफ में लेफ्ट साइड में आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से हमको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कैप्चा एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। अब मेरा ये फ़ोटो जो है यहाँ से हमको सेलेक्ट हो गया, अब हमारा क्या है कि हमारा 100% हो गया है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है उसमें हमको चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर लिए, प्लस वाले आइकन पे आप लोग क्लिक करना है यहाँ पे और जो वहाँ से हम लोग फोटो यहाँ पे किए हैं इसको हमको ले लेना है। इससे पहले दोस्तों आप लोग को सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है होगा, सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना बता देता हूँ। चलिए मैं ये थोड़ा सा यही फोटो है जिसको हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये जो हमने वहाँ से कैप्चर किया था उसको, देखिए यही फोटो है इसको हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग बहुत ही आसान तरीका से आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं कोई भी फोटो को। तो आपको सबसे पहले आप लोग गूगल में चले आना है, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड रिमूव, यहाँ पे आप लोग को लिख देना है बैकग्राउंड रिमूव रिमूवर। आप लोग जैसे ही लिखिएगा आप लोग को फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे remover.bg आप लोग पब्लिक एक वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग जो भी फोटो अपलोड करिएगा एकदम 2 सेकंड में आप लोग का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। यहाँ पे अपलोड मैं इमेज पे करता हूँ और यहाँ से हम इमेज को अपलोड करते हैं, ये वाला हमने कैप्चर किया था इसको, और हमें देखिएगा तुरंत एकदम बैकग्राउंड रिमूव होकर के हमें आ गया। डाउनलोड कर लेते हैं हमको यहाँ पे, हमारा यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, हमारे यहाँ डाउनलोड हो गया। अब हमें फिर से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे चले आना है और हमें किधर गया पिक्सआर्ट, ये रहा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे चले आना, जो बैकग्राउंड रिमूव किया है हमने उसको हमको अब की सिलेक्ट करना है ताकि उसी को हमको एडिट करना है, ताकि उसी को हम GTA की तरह हम लोग सिलेक्ट कर पाएँ, उसी को एडिट कर पाएँ। तो हमको प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक कर देना है और जो हमने एडिट किया है उसको बैकग्राउंड रिमूव किया उसको हमको लेकर के चले आना है यहाँ पे। पर आप लोग को सिंपली इफेक्ट आप लोग को देखने को ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट में आ जाना है यहाँ पे और हमें इसको चूज कर लेता हूँ मैं स्क्रेच पे और ये वाला चूज कर लेता हूँ फर्स्ट वाले और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और मैं इसको आप लोग फेस के मुताबिक आप लोग फोटो के मुताबिक सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसको बस इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस ये हो गया है। मैं इसको कलर जो मिल रहा है हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्लैक एंड वाइट मैं इसको रहने देता हूँ, यही इतना ही, मैं ब्लैक करके देख लेता हूँ एक बार, ये मुझे इस तरीका से दिखाई दे रहा है। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना फ़ोटो के मुताबिक आप लोग सिलेक्ट करिएगा इसको, काहे कि कम बेसी ज़्यादा आप लोग फ़ोटो के मुताबिक ही आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर फोटो एक जैसा नहीं होता। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैजिक पे चले आना है, यहाँ पर ये रहा मैजिक पे आ जाना है, इसको इस वाले सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और इसको पे क्लिक करना है, जो 3 वो सर्किल दिखाई दे रहा है आप लोग उस पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, इसको 77-78 इतना रहने देंगे। हमें इसको इसी तरीका से रहने देना है, स्केच पे आ जाना है और इसको जो हमने बनाया था इसको हम लोग कम कर देंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग टाइप पे देखने में लग रहा था, इसको हम लोग कम कर देते हैं, हटा ही देते हैं, इससे सबसे बढ़िया रहेगा इसको। अब हमें फिर से मैजिक पे आ जाना है, यहाँ पर मैजिक फिर से, और हम लोग को ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है
देखिए ये वाला किधर गया, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको फिर से करिएगा और थ्री सर्किल पे आप लोग क्लिक करिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग इतना रहने देते हैं 35, और इसको फिर से आप लोग का एक और इफेक्ट आप लोग को डालना है, आप लोग का ये इफेक्ट आप लोग डाल सकते हैं। इसको रेड हो गया है तो इसको हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा हम लोग कम सी करेंगे। आप लोग अपना फ़ोटो मुताबिक आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये इफेक्ट हम लोग डाल करके देखते हैं। ये येलो हो गया, चलिए ठीक है। ये भी इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करके इसको रहने देते हैं। चलिए इसको इस तरीका से अब हमें ये वाला इफेक्ट हम लोग डाल कर देखते हैं। इसको ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें इसमें, बस ये बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग क्या करना है, ऊपर एरो के सीन दिखा रहे जरा, उस पर हमको क्लिक करके सेव कर लेना है। अब हमें इसको डैश कार्ड पर हम लोग ऑलरेडी सेव कर लिया है, फिर से आ जाना है यहाँ पे, और हम लोग जो GTA वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है जो डाउनलोड किए हैं इसको, और इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। हमको इसको सबसे पहले क्रॉप करना होगा, तो टूल पे आप लोग को सबसे पहले आना होगा। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग को इस वाले आप 9:16 का रेशियो आप लोग को हो जाएगा। इसको दो बार क्लिक कर देना है, एक बार ये, एक बार ये, हो गया। अब हमें इसको इस तरीका से हमको सिलेक्ट कर लेना है इस तरफ। आप लोग कहाँ पे आप लोग फ़ोटो अपना लगाना चाहते हैं उसी तरीका से आप लोग सिलेक्ट कर लिए। हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करके फ़ोटो को सिंपली सिलेक्ट करके इसको सही से हमें फिट कर देना है, ताकि हमें लगे कि जेन्युइन एकदम उसी तरह से बनाया गया है। तो हमको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है अच्छे तरीका से, और इसको मैं फ़िट कर देता हूँ इसी तरीका से। आप लोग भी इसी तरीका से आप लोग फ़िट कर दिए यहाँ पे, और हमें फिर ऐड फोटो पर क्लिक करना है। सॉरी दूसरा अथी हो गया, हमें फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इस जो GTA वाला है इसको हमको लोगों का लग करके चले आना है यहाँ पे हमको, और इसको इंक्रीज करके थोड़ा सा साइज हमें और यहाँ पे लगा देना है, ताकि अच्छे तरीका से दिखने लगे। अब परफेक्ट हमको दिखने लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको सेव सिंपली ऊपर में एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको सिंपली सेव कर लेना है। अब हमें फिर से काइने मास्टर जो एप्लीकेशन है इसमें चले आना है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग को फिर से हमें यहाँ पे और जो वीडियो हमने एडिट किया था उसको हम तो फिर से लेकर के चले आना है इसको। अब हमें यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, वो वीडियो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, हमको यहाँ से हमको इस तरीका से लेकर के आना है। तो हमें इसको इस तरीका से यहाँ से सेट करना होगा, और हमें यहाँ पे लेयर पे जा करके उसको मीडिया पे क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ परफेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे हमें सेलेक्ट लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। यहाँ से हमको जो डाउनलोड किए हैं फोटो उसको हमको सेलेक्ट करना है इसको, और इसके बराबर हमको लेकर के चले आना है यहाँ पे। सिंपली हमको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कम कर देना है, और थोड़ा सा इसको हमें प्ले करके देख लेना है, ताकि मतलब ये परफेक्ट लग रहा है एकदम अभी परफेक्ट लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे बीच में, कि मतलब थोड़ा सा इफेक्ट आए, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे इफेक्ट डालना है। तब मैं यहाँ पे हमें इफेक्ट डालना है, तो मैं यहाँ से मैं लेयर पे जाऊँगा, यहाँ पे हमें इफेक्ट डालना है, लेयर पे जाऊँगा इफेक्ट, सॉरी लेयर पे जाकर के आप लोग के इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे लेयर पे और इफेक्ट पे आप लोग के नीचे आप लोग इस सब डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हमें, और इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है या इसको हमको छोटा कर देना है, ताकि ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे, ज़्यादा दूर तक इफेक्ट नहीं रहे, छोटा कर देना है यहाँ पे, और ये बस इसको हमें थोड़ा सा और छोटा करना होगा, कि ताकि मतलब ये थोड़ा सा बड़ा भी थी भी ज़्यादा दूर देर तक इफेक्ट रह जा रहा था, हमें थोड़ा सा और छोटा करना होगा, और ये हमें ये बस अभी परफेक्ट लग रहा है हमें। अब ऑडियो लाना है जो हमें बीच में अथी करना है, तो हमको सिंपली आप लोग नीचे मिल जाएगा यहाँ पे, आप लोग सिंपली जो वॉइस है मतलब जो सॉन्ग है आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ से खोज लेता हूँ वो सॉन्ग का, नीचे आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सॉन्ग को डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ से मैं लगा देता हूँ, मैं इसको सिंपली लगा देता हूँ। और हमें यहाँ पे आप लोग को ये सॉन्ग अगर नहीं मिले तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे लेयर पे आना है, यहाँ पे मीडिया पे आकर के फिर से ये जो आप लोग इस वीडियो का भी आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हमको ऑडियो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे, और इसको हमको वीडियो को डिलीट कर देना है, ताकि हमें सिर्फ ऑडियो ही रहे,
इस वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके स्टार्टिंग से हमें लेकर के चले आना है। एक मिनट, इसको इस तरीका से हमें लेकर के चले आना है। हमें सिंपली हो गया इस तरीका से, हमें परफेक्ट अब हो गया। ये सब जो सारे आप लोग के जो इफेक्ट डाला गया है सारा आप लोग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आई होप कि ये पूरा आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। हमें इसको हाई करके एक्सपोर्ट अब सिंपली कर लेना है। वीडियो को लास्ट यहीं करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया। आप लोग इसी तरीका से आप लोग बना लीजिएगा, मतलब बहुत ही आसान तरीका है। 4 से 5 इफेक्ट डालना है एडिटिंग करते समय और 4 से 1 इफेक्ट डालना है जब एडिटिंग करने के बाद जब हमें वीडियो बनाते समय। आई होप ये पूरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। जो भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चलते रहेगा आप लोग को उस तरीका के वीडियो आप लोग बनाना सिखाएंगे इस चैनल पर, और आप लोग बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड आप लोग के वीडियो आने वाला है और भी बहुत तरीका के। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लास्ट यहीं करते हैं। लास्ट में धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।